कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूँ? या मेरे माँ बाप थोड़ी है, आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है, बहुत नहीं हो रही है। ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया, डीजीपी महोदय के पीएसओ ने मुझसे कहा फोन काट दो, बंदा बर्खास्त करा के घर भेज दूंगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया, मेरे साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे। जिसको यहाँ के आप कुत्ते को डाल दीजिए, क्या आपके बेटी बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज यूपी भी हिंदुस्तान में मानवता चंदी है तो बता दीजिए इस उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को तब दबाते जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूँ? या मेरे माँ बाप थोड़ी है। इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही आ रही महोदय द्वारा, करना द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे इस थाली को, तुझे करके जनता के बीच में चला गया तो। आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है बहुत है कि नहीं हो रही है? ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया, डीजीपी महोदय के पीएसओ ने मुझसे कहा फोन काट दो, बंदा बर्खास्त करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएसओ बोल रहा हूँ, एडीजी आगरा साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है? तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के बंदन निवेदन है, इस बच आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं। कोई सुनने वाला, दबाते जाते आए दिन आत्महत्या करना है सिपाही, मर जाते हैं, चले जाते, 2 घंटे का शोक धारण किया, ये लोग मस्त की भी जिंदगी काट रहे हैं, हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है, अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। यही बुला लो साहब, लोग बुला, मैं नहीं जाऊंगा साहब, कहाँ से नहीं जाऊंगा साहब, लेकिन बचेगा तो रोड़े पीछे घर जाऊंगा, जाके साहब जाऊंगा भाई यहाँ से। यहाँ बैठे समझ